हेलो एवरीवन, क्लास फिफ्थ। नाउ इट्स टाइम टू मैथ्स स्टडी, सो ओपन योर मैथ्स बुक एंड नोटबुक। कम टू द चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज 3, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इट्स ऑन बुक पेज नंबर 149। हेयर सब्ट्रैक्ट 4 मिनट्स 25 सेकंड्स फ्रॉम 15 मिनट्स 42 सेकंड्स। स्टूडेंट्स, नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट इट। 4 मिनट्स 25 सेकंड्स में से, 15 मिनट्स 42 सेकंड्स में से आपको 4 मिनट्स 25 सेकंड्स को माइनस करना है। हेयर यू विल राइट मिनट्स एंड हेयर सेकंड्स 15 एंड 42 मिनट्स, हेयर 4 मिनट्स एंड 25 सेकंड्स। सो स्टूडेंट्स, 15 सेकंड्स 42 मिनट्स एंड 42 सेकंड्स में से 25 सेकंड्स आप माइनस करेंगे हेयर 17, 15 मिनट्स में से 4 मिनट्स माइनस करेंगे हेयर 11। सो योर आंसर इज 11 मिनट्स एंड 7 सेकंड्स, 17 सेकंड्स। नाउ हेयर क्वेश्चन नंबर बी, 15 मिनट्स 36 सेकेंड्स फ्रॉम 28 मिनट्स 12 सेकेंड्स। हेयर यू विल राइट मिनट्स एंड सेकेंड्स, 28 मिनट्स 12 सेकेंड्स, 15 मिनट्स 36 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, हेयर 12 माइनस 36, हेयर इट इज इम्पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, हेयर यू विल पुट द कैरी ऑफ वन हेयर। स्टूडेंट्स, आप 1 मिनट ले रहे हो यहाँ पे कैरी, तो 1 मिनट का मतलब हो गया आपका 60 सेकेंड। नाउ 60 प्लस 12 72 में से 36 माइनस करेंगे, सो हेयर 36। एंड स्टूडेंट्स, आपने यहाँ 1 ही तो दिया है ना, इसे तो 8 में से 1 चला गया 7, 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गया 1। सो योर आंसर इज 12 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, 22 मिनट्स 5 सेकेंड्स फ्रॉम 38 मिनट्स 55 सेकेंड्स। हेयर 38 मिनट्स 55 सेकेंड्स, हेयर 22 मिनट्स 5 सेकेंड्स। 55 में से 5 सेकेंड्स माइनस किया हेयर 50 सेकेंड्स, एंड 8 में से 2 माइनस किया 6, 3 में से 2 माइनस किया 1, 16 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। हेयर 12 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स फ्रॉम 17 मिनट्स। हेयर यू विल राइट मिनट्स एंड हेयर सेकेंड्स, 17 मिनट्स में से आपको 12 मिनट्स और 12 सेकेंड्स माइनस करने हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ सेकेंड में कुछ नहीं है, आपने 7 में से 1 इसको कैरी दिया, 1 का मतलब हुआ 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 60 में से 12 माइनस किया 48, यहाँ बचा आपका 7 में से 1 इसे देने पर 6, 6 में से 2 गया 4, 4 मिनट्स 48 सेकेंड्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, 13 years 8 months from 20 years 12 months. Here students, you will write here years and here months. 20 years 11 months में से minus करना है 13 year 8 months. 11 में से 8 गए 3, यहाँ आपने इसे 20 में 13 माइनस किया 7, सो 7 ईयर्स 3 मंथ्स इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, 5 ईयर्स 9 मंथ्स फ्रॉम 12 ईयर्स 4 मंथ्स। आपको 12 ईयर 4 मंथ्स में से 5 ईयर्स 9 मंथ्स को माइनस करना है। स्टूडेंट्स, आप 12 में से 1 इसे कैरी देंगे, 1 ईयर में से आप कैरी दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाता है 12 मंथ आप इसको दे रहे हो। तो 12 प्लस 4 कितने हो गए आपके 16, 16 में से 9 माइनस किया तो आपका यहाँ पर, क्योंकि आपने इसमें से ईयर्स में से आपने 1 दिया है, 1 का मतलब क्या हो गया आपने इसको 12 मंथ्स दिए हैं। एंड 12 एंड 4 कितना हो गया आपका 16, में से आप 9 माइनस करेंगे 7, यहाँ रह जाएगा आपका 1, यानी कि 11, 11 में से 5 लेस किया आपने 6, सो योर आंसर इज 6 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सी, 6 ईयर्स 4 मंथ्स फ्रॉम 17 ईयर्स। आपको लेस करना है 17 ईयर्स में से 6 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। स्टूडेंट्स, 17 के पास यहाँ कोई मंथ्स नहीं है, तो आपने 17 में से 1 इसे कैरी दिया, 1 का मतलब आप इसे 1 ईयर का मतलब 12 मंथ दे रहे हो। 12 में से 4 माइनस करोगे 8, 6 में से 6 लेस करोगे 0, 1 यहाँ पर ऐसे लिख दोगे तो 10 ईयर्स 8 मंथ्स। सो योर आंसर इज 10 ईयर्स 8 मंथ्स।